सो हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू राज होमियो गेमिंग। सो फाइनली न्यूज आ चुकी है कि काजुआ हमारा सबसे प्यारा कैरेक्टर, पसंदीदा कैरेक्टर आने वाला है। और मुझे पता है कि काफ़ी सारे बंदे जो है, प्लेयर जो है, काजुआ को पुल करने वाले हैं, काफ़ी दिनों से जो वेट कर रहे थे। सो फाइनली वेट इज ओवर। सो कुछ ही दिनों में हमारा काजुआ आने वाला है। सो मैंने भी जल्दी से जल्दी काजुआ का बिल्ड वीडियो बना लिया है। तो आई नो कि आप लोगों को बिल्ड वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एक कंप्लीट गाइड वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं। अगर आपको ये गाइड वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली मैं इस चैनल पर लाइव भी आता हूँ, जो कि शाम को 8 बजे होता है। तो बिल्कुल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ भी आके ऑन लाइव चैट मुझे पूछ सकते हो। तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं काजुआ के बिल्ड के बारे में। तो अगर आप काजुआ को जैसे जैसे एसेंड करोगे, ठीक है, तो वैसे वैसे आपको जो है काजुआ में जो है एलिमेंटल मास्टरी मिलते जाएगा। एलिमेंटल मास्टरी आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो एलिमेंटल मास्टरी आप इंक्रीज जब करोगे तो मैक्सिमम एलिमेंटल मास्टरी आपका 151 जो है वो होता है। तो जैसे ही आप असेंड करते रहोगे एट लेवल 90 आपका 151 एलिमेंटल मास्टरी ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। अगर काजुआ की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, अगर बेस्ट मतलब वीकनेस और स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रेंथ की अगर बात करूं तो एलिमेंटल मास्टरी, एलिमेंटल स्किल से जो है ये नॉर्मल और चार्ज अटैक को जो है बर्फ देता है दूसरे कैरेक्टर्स को, मेली कैरेक्टर्स, जितने भी मेली कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, समझ लो मेली कैरेक्टर्स जितने भी है उन सबको जो है ये बफ देता है नॉर्मल एंड चार्ज अटैक में। और सेकंड, लो एलिमेंटल बर्स्ट कॉस्ट है इसका, आप देख सकते हो यहाँ पर, ज़्यादा नहीं है, मतलब लो मतलब ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है, 60 है, ठीक है। एनर्जी कॉस्ट इसका ज़्यादा नहीं है, तो ये आपको बार बार, अगर आप अच्छा खासा एनर्जी रिचार्ज रखते हो तो आप बार बार स्पैम कर पाओगे एलिमेंटल बर्स्ट का। और थर्ड अगर हम बात करें तो ये जो है जितने भी, अगर आप ऑन फील्ड में अगर कोई बाहर एनिमीज है तो ई स्किल से आप उनको इकट्ठा कर सकते हो, यानी क्राउड को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बहुत प्यारी चीज़ दी हुई है। और साथ ही साथ ये ऊपर से जाकर जो है ई के साथ साथ ही साथ एक प्लग अटैक भी करता है, जो कि अच्छा खासा डैमेज भी देता है, प्रोवाइड करता है। और इसके अगर हम वीकनेस की बात करें तो ये जो है नॉर्मल अटैक इसका जो है बहुत लो होता है, ज़्यादा नॉर्मल अटैक इसका परफेक्ट नहीं है, बहुत ही कम है इसका नॉर्मल अटैक, ज़्यादा नॉर्मल अटैक स्किल्स नहीं है, परसेंटेज आप देख सकते हो यहाँ। और साथ ही साथ अगर दूसरे की बात करूँ तो इसका फिजिकल कैरेक्टर्स, मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिजिकल कैरेक्टर्स के साथ इसका पैसिव में आप देख सकते हो, फिजिकल कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं है फिजिकल और जियो का, तो फिजिकल और जियो कैरेक्टर्स के साथ आप इसे यूज़ ना ही करोगे तो बेटर रहेगा। कोई भी फिजिकल डीपीएस अगर आप उसके साथ यूज़ कर सकते हो तो नहीं करना। और इसका जो एलिमेंटल बर्स्ट डैमेज जो है ये भी काफ़ी लो होता है, उतना खास नहीं होता है, बट अगर आप अपने बराबर अगर आप बिल्ड करते हो फिजिकल टाइप का तो चल जाएगा, लेकिन उतना बर्स्ट इसका जो है डैमेज उतना नहीं देता है, बाकी आपके पार्टियों का डैमेज जो है वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये तो काजुआ बिल्ड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सब डीपीएस, सेकंड हाइब्रिड काजुआ, हाइब्रिड बिल्ड जिसको कह सकते हैं, हाइब्रिड सपोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं, डीपीएस सपोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं, और लास्ट है सपोर्ट बिल्ड, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको तीनों के बारे में बताऊंगा। पहले यह विपत्त हमारे पास नहीं है, हम हैव टू प्ले, ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये मेरा दोस्त का अकाउंट है। सो आप लोगों को भी पता है कि गाइस मैं भी काजुआ पुल करने वाला हूँ, मेरे एक भी अकाउंट में काजुआ नहीं है। सो आई एम वेरी, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं काजुआ का। तो आपको भी अगर मेरा काजुआ पुल देखना है तो जिस दिन पुल होने वाला है उस दिन मैं लाइव करने वाला हूँ, तो आप ज़रूर आकर देख सकते हैं, साथ में मिलकर पुल करेंगे, ओके। सो वीपन की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बेस्ट वीपन अगर 5 स्टार में देखा जा सकता है तो फ्रीडम स्वॉन, ये सबसे बेस्ट है काजुआ के लिए, बनाया गया है अभी फ़िलहाल, तो बहुत बढ़िया है। इसमें भी एलिमेंटल मास्टरी आपको देखने को मिलती है, पर आप लगा सकते हो एज अ सपोर्ट, एज अ
एज अ सब हाइब्रिड डीपीएस, ठीक है। आप सब डीपीएस में ये ना लगाओ तो ठीक है, अगर आपके पास है तो आप सपोर्टी बिल्ड करो, अगर आपके पास फ्रीडम्स वन नहीं है तो आपके पास दूसरा कुछ उपाय है तो आप वो लगा सकते हो। तो सेकेंड सब डीपीएस के लिए सबसे बेस्ट वेपन है प्रिमोडियल जेट कटर। इसमें आपको क्रिट रेट मिलेगा और ये सबसे बेस्ट आपको मतलब एक सब डीपीएस टाइप बना देगा, ठीक है। सब डीपीएस टाइप आपको एक करेक्टर बना देगा आपके काजुआ को, जो कि क्रिट रेट दे देता है। सेकेंड, अगर आपको हाइब्रिड बनाना है, हाइब्रिड डीपीएस बनाना है, तो हाइब्रिड डीपीएस के लिए सबसे बेस्ट है आपका स्काईवर्ड प्राइड, आप दे सकते हो हाइब्रिड के लिए, जो कि एनर्जी रिचार्ज देता है। फोर स्टार की अगर बात करूँ तो आप सेक्रीफिशियल स्वॉट दे सकते हो, फोवेनियस स्वॉट दे सकते हो, ठीक है। ये तीन चार वेपन आप जो है काजुआ को लगा सकते हो हाइब्रिड में, ठीक है। और नेक्स्ट आता है सपोर्ट। सपोर्ट बिल के लिए आपके पास हाइब्रिड में आप ये भी दे सकते हो, फेस्टरिंग डिजायर भी आप दे सकते हो हाइब्रिड में। एनर्जी रिचार्ज ज़रूरत रहती है हाइब्रिड में, एनर्जी रिचार्ज ताकि आप बार बार जो है बर्स्ट यूज़ कर सके। सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गया था कि अगर आपको डीपीएस में आप एनिमो गायकुची भी लगा सकते हो, F2P में एनिमिक गायकुची भी लगा सकते हो, जिससे आपको अटैक मिलता है, ठीक है। और सपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट है F2P आयरन स्टिंग, आप बहुत प्यारा यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको एलिमेंटल मास्टरी मिलता है और आयरन स्टिंग के साथ साथ आप ये LA फ्लैश भी मिल सकता है आपको, अगर किसी के पास होगा ये वेपन तो इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो वेपन के बारे में यही था। तो अलग अलग तीन टाइप के जो बिल्ड है, तीनों टाइप में अलग अलग वेपन लेता है। अभी आपके पास कौन सा वेपन अवेलेबल है ये आप पे डिपेंड करता है और आप उस हिसाब से लगाओ। चलते हैं, तो आर्टिफैक्ट्स में भी भाई तीन टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बता दूं आर्टिफैक्ट सेट के बारे में, सो सेट हम BV ये जो है वेंडरेट सेट टू पीस, ये सबसे परफेक्ट होता है। कहा गया, सॉरी, ये जो वीवी का है ये परफेक्ट होता है, सबसे बढ़िया होता है ये वीवी, ठीक है। अब आपको अगर आपके पास नहीं है, आप अगर हाइब्रिड और डीपीएस अगर बनाते हो तो आप वीवी के साथ टू पीस वीवी लगाओ, सबसे बेटर रहता है। टू पीस वीवी के साथ आप ग्लैड भी लगा सकते हो, अगर आप डीपीएस बना रहे हो ग्लैड या फिर एनिमो ग्रेड या फिर वर्मिलियम जो है, जितने भी अटैक परसेंट होते हैं वो लगा सकते हो वीवी के साथ, ठीक है। अगर आप हाइब्रिड बना रहे हो तो वीवी साथ ही साथ, अगर आप हाइब्रिड बना रहे हो तो आप वंडरेड ट्रूम्स भी लगा सकते हो, जिसमें आपको एलिमेंटल मास्टरी मिलती है। डिपेंड होता है आप जो सब डीपीएस और इसमें। और अगर आप सपोर्ट बनाना चाहते हो, फुल सपोर्ट कैरेक्टर एलिमेंटल सपोर्ट बनाना चाहते हो, तो आपको वीवी देना ही है, वीवी फुला फुल सेट फोर पीस देना ही है, जिससे आपका स्क्रिल डैमेज बढ़े, ठीक है। अगर हाइब्रिड बनाना है तो आप यहाँ पर वंडरेड ट्रूम्स दे सकते हो, ठीक है, या फिर एम्ब्लेम भी दे सकते हो टू पीस, एनर्जी रिचार्ज के लिए भी दे सकते हो आप, अगर आपके पास एनर्जी कम है तो। डिपेंड करते हैं यूअर बिल्ड के ऊपर, आपके पास क्या बिल्ड है, आपको क्या इसकी नीड है, उसके हिसाब से आप बना सकते हो इसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, मैं अगर आर्टिफैक्ट्स प्रायोरिटी की बात करता हूँ तो सैंड में मैं सबसे पहले DPS की बात करता हूँ। DPS अगर आपको बनाना है, सब DPS काजुआ बनाना है, तो सैंड में आप अटैक दीजिए, मेन स्टेट में अटैक, गॉबलेट में एनिमो, और फिर क्रिट रेट या क्रिट डैमेज आप सर्कुलेट में दे सकते हो। हाइब्रिड डीपीएस की बात करूं तो आपको एनिमो और क्रिट रेट क्रिट डैमेज रखना ही है, बस यहाँ पे सैंड में जो है आपको एलिमेंटल मास्टरी देना है, ठीक है, एलिमेंटल मास्टरी दे दोगे बेटर हो जाएगा। एंड लास्ट, अगर आप EM सपोर्ट बनाना चाहते हो, फुल EM सपोर्ट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे भी EM दो एलिमेंटल मास्टरी, गॉबलेट में भी एलिमेंटल मास्टरी दो, और यहाँ पर भी सर्कुलेट में भी एलिमेंटल मास्टरी दीजिए। तो तीन टाइप के बिल्ड अलग अलग आप रख सकते हो, अब ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है आप काजुआ अपना कैसा बनाना चाहते हो। फिर मैं अगर सबस्टेट्स की बात करूँ, सबस्टेट प्रियोरिटी सबसे पहले तो है हमारी एलिमेंटल मास्टरी, उसके बाद आता है एनर्जी रिचार्ज, ठीक है, उसके बाद आता है क्रिट रेट एंड क्रिट डैमेज और अटैक परसेंट। अब मैं तीनों का अलग अलग बताता हूँ। तो अगर आप इसको सब डीपीएस बना रहे हो तो क्रिट रेट क्रिट डैमेज और अटैक परसेंट देखिए, साथ ही साथ एनर्जी रिचार्ज भी आप देख सकते हो फोर्थ नंबर पे, ठीक है। बाकी यह आपको एलिमेंटल मास्टरी आप रख सकते हो फ्लावर और फेदर में, फ्लावर और फेदर में आपको एलिमेंटल मास्टरी रखना है। क्रिट रेट सब डीपीएस में क्रिट रेट क्रिट डैमेज अटैक देन एनर्जी रिचार्ज, हाइब्रिड डीपीएस में आपको क्रिट रेट क्रिट डैमेज एलिमेंटल मास्टरी एंड एनर्जी रिचार्ज रखना है, मतलब एनर्जी रिचार्ज आपको रखना है काफ़ी,
ठीक है, और अगर आप फुल सपोर्ट बनाना चाहते हो तो आपको एनर्जी रिचार्ज चाहिए, एलिमेंटल मास्टरी तो यहाँ से मिल जाएगा। एनर्जी रिचार्ज और एलिमेंटल मास्टरी आपको होना ही होना, बाकी कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एनर्जी रिचार्ज और एलिमेंटल मास्टरी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फुल सपोर्ट के लिए। हाँ, सो अर्ली प्लेयर्स जो अभी अभी AR-40 या AR-45 या फिर मतलब जो आर्टिफैक्ट सेट नहीं ले रहे जिनके पास है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है दी एक्साइल। एक्साइल आप यूज़ करते हो जिससे आपको एनर्जी रिचार्ज मिलता है। सो अगर हम काजुआ के एट्रीब्यूट्स प्रायोरिटी की बात करें तो डिटेल में मैं तीनों टाइप के बारे में बता देता हूँ। अगर आप DPS बना रहे हो तो उसमें आपका इसमें कुछ चेंज ही करना है, बस एलिमेंटल मास्टरी आपको ध्यान रखना है। अगर आप DPS बना रहे हो तो क्रिट रेट और क्रिट डैमेज मेंटेन कीजिए, ठीक है। साथ ही आपको जो है एलिमेंटल मास्टरी आपका 200-300 भी रहेगा तो चलेगा, एलिमेंटल मास्टरी 200-300 भी रहेगा चलेगा। क्योंकि एलिमेंटल मास्टरी की हमें इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि आपको पता है एलिमेंट स्क्रिल नहीं करता है, क्रिट नहीं करता है स्क्रिल, तो जितना भी स्क्रिल होगा आपके एलिमेंटल मास्टरी के हिसाब से। अगर आप DPS बनाओगे तो आपको एलिमेंटल मास्टरी के साथ क्रिट रेट क्रिट डैमेज जो है मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए आपको किसी एक चूज़ करना पड़ेगा, या तो आपको क्रिट डैमेज चूज़ करना पड़ेगा या तो एलिमेंटल चूज़ करना पड़ेगा, एलिमेंटल मास्टरी चूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप DPS बना रहे हो, सब DPS बना रहे हो, तो आपको क्रिट रेट क्रिट डैमेज में आपको ध्यान देना पड़ेगा, साथ ही साथ एलिमेंटल मास्टरी जो है आपको 200-300 रहेगा तो भी चलेगा, ओके, या फिर उससे ज़्यादा भी रहेगा, जितना बेटर ज़्यादा रहेगा उतना बेटर होगा। सेकेंड मैं बात करता हूँ अगर हाइब्रिड की, और एनर्जी रिचार्ज अगर मैं सब DPS में बता दूँ तो उसमें भी आपको कम से कम 130 के पास तो रखना ही है, 130 आपको रखना ही है, ओके। और अगर मैं हाइब्रिड DPS की अगर मैं बात करता हूँ तो हाइब्रिड के लिए आपको क्रिट रेट क्रिट डैमेज आपको मेंटेन करना है, ठीक है, जैसे आप करते हो। और एलिमेंटल मास्टरी इसमें थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि आपका एलिमेंटल मास्टरी ज़्यादा होना चाहिए, तो मतलब आपको 151 वहाँ से मिल जाएगा। आप या तो फिर वेपन से आप एलिमेंटल मास्टरी ले सकते हो, सैंड से एलिमेंटल मास्टरी ले सकते हो, सैंड में भी आपको एलिमेंटल मास्टरी देना है हाइब्रिड में, या फिर आप वेपन से भी ले सकते हो। अगर आपके पास एनर्जी अच्छा है तो आप वेपन से भी ले सकते हो, तो आपको मिनिमम यहाँ पे 400-500 हाइब्रिड में लाना ही पड़ेगा एलिमेंटल मास्टरी। एनर्जी रिचार्ज आपको 130 प्लस करना ही है, ठीक है, 130-140 प्लस आपको करना ही है, 150 के ऊपर रहेगा तो सबसे बेस्ट होता है काजुआ हाइब्रिड में। और यह 400 से लेकर 500 के बीच में अगर आप चाहे तो कर सकते हो, या 500 से ऊपर जाएगा तो बेस्ट, मैं हमेशा मिनिमम की बात करता हूँ। एंड लास्ट जो है हमारा सपोर्ट, तो लास्ट सपोर्ट में आपको जो है क्रिट रेट क्रिट डैमेज की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। क्रिट डैमेज आप मेरे हिसाब से फिर भी आप ध्यान रखना, 100 के ऊपर रखने की कोशिश करना, क्रिट नहीं करता है लेकिन डैमेज उसी के ऊपर डिपेंड होता है एलिमेंटल मास्टर के, तो 100 के ऊपर अगर आप कोशिश करोगे तो बेटर होगा, ठीक है, 80 के ऊपर भी रखोगे तो चलेगा, बट 100 करने की कोशिश रहना अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो, ठीक है। और एलिमेंटल मास्टरी आपको भाई 900 के ऊपर, आपको 915 एलिमेंटल मास्टरी तो ऐसे ही मिल जाएगी। अगर मैं आयरन स्टिक की बात करूँ, F2P की आयरन स्टिक की बात करूँ, फिर काजुआ का खुद असेशन मटेरियल और सेंट गॉबलेट एंड क्रिट में अगर आप एलिमेंटल मास्टरी देते हो तो आपको 800 समथिंग मिल ही जाता है, और साथ ही साथ अगर आप फेदर और फ्लावर में भी यूज़ करोगे तो आपको 900 प्लस मिल ही जाएगा। तो 900-1000 आप रखोगे तो आपका काजुआ बहुत बिल्ड बढ़िया बिल्ड हो जाएगा, और एनर्जी रिचार्ज यहाँ पर जो है 150 के ऊपर होना ही होना है अगर आप बिल्ड कर रहे हो एज अ सपोर्ट, तो 150 के ऊपर आप ज़रूर रखिए, 180 तक के जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आर्टिफैक्ट्स के नीचे हम बात करते हैं कॉन्सिलेशन की, तो कॉन्सिलेशन में काजुआ का C1 जो है वो बहुत अच्छा है, जिसमें आप जो है आपका कूल डाउन जो है 10% डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी आपका ई का कूल डाउन जो है वो 10% डिक्रीज़ हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो ई है आफ्टर बर्स्ट, मतलब आप जैसे ही क्यू दबाते हो, आप जैसे ही बर्स्ट करते हो उसके बाद, अगर आप बर्स्ट के पहले ई दबा देते हो, मतलब एलिमेंटल स्किल दबा देते हो, उसके बाद जैसे ही आप बर्स्ट दबाते हो फिर से आपका एलिमेंटल स्किल जो है वो रीसेट हो जाता है, यानी कि जैसे ही आप एलिमेंटल बर्स्ट दबाओगे आपके पास ऑलरेडी एक और एलिमेंटल स्किल रहेगा। तो सबसे ये C1 काम करता है, तो सबसे बेस्ट अगर काजुआ का कुछ है इस कॉन्सिलेशन में वो है C2। अगर आपके पास काजुआ C2 आ जाए तो मज़े ही मज़े हो जाए। इसमें क्या होगा आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एलिमेंटल मस्टी 200 बढ़ा देता है आपके जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं उनके 200 से 200
जो है एलिमेंटल बढ़ा देता है, तो 200 एलिमेंटल काफी ज्यादा होता है भाई लोग, इसलिए तो इंक्रीज द एलिमेंटल मास्टरी ऑफ कैरेक्टर विद इन द फील्ड बाय 200, तो जितने भी फील्ड में कैरेक्टर्स रहेंगे उसके 200 जो है आपका एलिमेंटल बढ़ जाएगा, उसका 200% एलिमेंटल बढ़ जाएगा। बाकी ये आपका लेवल बढ़ाएगा, ये ठीक ठाक है, मतलब एनर्जी बढ़ाते हैं 3 से 4 रिस्पेक्टिवली एनर्जी बढ़ा देगा। 4 में आप देख सकते हो इसका भी लेवल अप बढ़ेगा, और लास्ट में भाई ये तो है ही मज़ेदार, इसमें आप देख सकते हो प्लग अटैक बढ़ता है, नॉर्मल एंड चार्ज अटैक प्लग अटैक 2% बढ़ जाता है, तो C6 ही होता है। सो हम वीडियो के सबसे मेन पार्ट में आते हैं जो कि होता है काजुआ का टीम कॉम्प, और सभी को पता है काजुआ एक सपोर्ट कैरेक्टर है तो वो किसी की भी टीम में घुस सकता है, उसका डिपेंड करता है उसके DPS के ऊपर कि कौन सा DPS है, आप उसके हिसाब से जो है आपकी टीम ले सकते हो। तो DPS के सपोर्ट के बाद मैं बाद में करूँगा, बट मैं पहले अगर कोई DPS बनाता है या फिर हाइब्रिड बनाता है तो उसके लिए बेस्ट टीम कौन कौन सी हो सकती है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर एक टीम ऑलरेडी आप देख सकते हो, तो काजुआ बेनेट शिंचू और फिशल आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास फिशल भी है तो ये अच्छी टीम कॉम हो जाती है, एक इलेक्ट्रो चार्ज भी हो जाता है जिससे मारते रहेगा और काजुआ उसको जमा करते रहेगा। साथ ही साथ अगर आप सेकंड अगर चेंज करना चाहते हो तो आप शेंगलिंग को चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसकी जगह फिशल की जगह आप शेंगलिंग ले सकते हो जो कि एक वेपराइज वाला हो जाएगा, मतलब वेब टाइप का हो जाएगा, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो जो कि शिंचू और शेंगलिन के साथ वेपराइज हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रोचार्ज, तो ये दोनों को आप चेंज करके आपके पास शेंगलिन होना या शेंगलिन ले सकते हो या फिर फिशल ले सकते हो, ये हो गया। और F2P अगर जिसके पास नहीं है तो आप यहाँ पर शिंचू की जगह बारबरा भी यूज़ कर सकते हो एज अ टेम्पर्ड, अगर आप अर्ली प्लेयर हो और अभी अभी ओपन किया और आपको काजुआ मिल चुका है तो आप यूज़ कर सकते हो इसको, और साथ ही साथ शेंगलिन भी आपको मिल जाती है F2P में तो आप शेंगलिन भी यूज़ कर सकते हो, और इसकी जगह आपको स्टार्टिंग में काया मिल जाता है तो आप काया भी यूज कर सकते हो, काया भी यूज कर सकते हो। तो ये टीम एज अ फुल F2P प्लेयर के लिए बन सकती है ये टीम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने DPS के बारे में बता दिया, अब अगर हम काजुआ को एज अ सपोर्ट बिल्ड करते हैं या फिर हाइब्रिड बिल्ड करते हैं या कोई भी इसमें बिल्ड करते हैं जिसके लिए आपको एक DPS कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर DPS की बात करूँ यूला के साथ, तो यूला के साथ काजुआ मतलब ना के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि काजुआ जियो और फिजिकल पे उतना अच्छा सपोर्ट नहीं देता है, तो यूला के साथ टीम कॉम थोड़ा मुश्किल है, कर सकते हो आप बट इट्स योर ओपिनियन, बट उतना खास मज़ा नहीं आएगा आपके हिसाब से, और जियो के साथ भी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी में गान्यू के तरफ, तो गान्यू अगर आपको मेल्ट बनाना है, गान्यू मेल्ट टीम बनाना है तो गान्यू के साथ आप यहाँ जो है गान्यू रखिए, गान्यू के साथ साथ आप यहाँ काजुआ सेकेंड इसमें, फिर इसके बाद आप यहाँ पर जो है शेंगलिन ऑलरेडी है और यहाँ बेनेट, ये टीम आप बहुत प्यारा बना सकते हैं, इससे आपको मेल्ट मिलेगा, मेल्ट टीम आपकी बहुत प्यारी हो जाएगी ये, ठीक है। मेल्ट टीम गान्यू काजुआ बेनी और शेंगलिन, और अगर आपके पास जैसे किसी किसी को जो है बिना शील्ड के गान्यू जमती नहीं है, मतलब होता नहीं है खेलना उनसे, तो आप शेंगलिन को हटाकर यहाँ पर जो है जोंगली भी ले सकते हो, एज अ शील्ड आपके लिए काम कर लेगा, ठीक है। और इसी की जगह अगर आप फ्री स्टीम यूज़ करना चाहते हो तो आप इसकी जगह जो है शिंचू को ले सकते हो, तो एक फ्री स्टीम बन जाएगी आपकी, ठीक है। या फिर शिंचू की जगह अगर आप आपके पास मोना है 50-50 हारे हो गए मोना से तो आपके पास मोना भी होगा तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड एक और मैं बताता हूँ, जैसे अयागा के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, अयागा के साथ बेटर तो वेंटी होता है बट आप इसे भी यूज़ करते हो सकते हो, ये भी एक टीम बहुत प्यारी बन सकती है आपकी, अयागा मोना, ठीक है, काजुआ बेनेट, ओके, ये टीम भी बहुत प्यारी है, ये टीम भी आप बना सकते हो एज अयागा DPS। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ चाइल्ड की, तो हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड नहीं है, तो चाइल्ड नहीं है तो मैं बात करूंगा आपको चाइल्ड के लिए भी सबसे बेस्ट टीम होती है, बहुत प्यारी टीम है चाइल्ड के साथ शेंगलिन का, या एक तरफ से हम मान लेते इसको चाइल्ड, ओके, इसे चाइल्ड मान लेते हम, तो ये बहुत प्यारी टीम हो जाती है। यहाँ पर चाइल्ड नहीं है मेरे पास, मैं फोटो लगा दूंगा, तो चाइल्ड शेंगलिन काजुआ और बेनेट बहुत अच्छी टीम होती है, और अगर आपको चाइल्ड में ही इलेक्ट्रो करना है तो आप शेंगलिन को हटाकर यहाँ पर जो है फिर से फिशल या फिर बेदे को ले सकते हो, बिडू को ले सकते हो, तो ये दोनों का भी यूज़ कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगी चाइल्ड फिशल काजुआ और बेनेट की टीम, ये भी बहुत प्यारी टीम होती है, इलेक्ट्रो चार्ज मिलते रहता है आपको,
ओके उसके बाद एक और टीम अगर मैं देखूं तो या होताओ के साथ या फिर डीलू के साथ, यहाँ पर मैं बता व्हाट्स देता योर हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव? इसके साथ भी आप जो है फिशल और शिंचू और काजुआ को ले सकते हो इसकी जगह। शिंचू, शिंचू को भी आप यूज मे कर सकते हो, नॉलेज गाइड ठीक यू। है। यहाँ पर आप अगर हुताव रहेगी तो ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हुताव अपने आप को हील कर देंगे और ये भी बढ़िया पर चलेगा। ये टीम भी आप यूज़ कर सकते हो डीलुक के साथ भी, ओके। या फिर आप इसकी जगह बैनेट भी ले सकते हो, फिशल की जगह बैनेट भी ले सकते हो, वो भी काम आ जाएगा, ओके। और अगर आप डीलुक के साथ यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर चोंग्यून भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेल्ट भी करना हो साथ में तो आप चोंग्यून भी यूज़ कर सकते हो, ये भी प्रेजेंट बहुत अच्छी टीम हो जाएगी। तो ऐसी काफ़ी सारी टीम्स है जो आप बना सकते हो, आप अपने हिसाब से भी टीम्स बना सकते हो, क्योंकि यू नो काजुआ इस भाई सबके अंदर फिट होने वाला, सब टीम के अंदर फिट होने वाला एक कैरेक्टर है। बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके टैलेंट के बारे में, मैं ये लास्ट में इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसका नॉर्मल अटैक उतना खास नहीं है। इसका ई भाई होल्ड, इसका दो टाइप का होता है, एक सिर्फ ओनली प्रेस, प्रेस करने पे आपका सीडी जो है सिर्फ 6 सेकंड रहेगा और होल्ड करने पे जो है 9 सेकंड का रहेगा। तो यहाँ पे आप डैमेज भी दे सकते हो, बट होल्ड इज़ बेटर, बिकॉज अगर आप होल्ड करके रहते हो तो आजू बाजू जितने भी आपके एनिमीज है वो जो है मतलब कलेक्ट होते जाते, क्राउड कंट्रोल होता है, तो होल्ड सबसे बेस्ट होता है। और देखो 3 सेकंड का फर्क है सिर्फ, आप होल्ड करके रख सकते हो ताकि क्राउड जो है, जो हिलीचर्स जो है वो आपको दे सके, है ना। इसका टैलेंट आप देख सकते हो यहाँ पर, कैंट होल्ड करके, और एक प्लंज अटैक मारता है, और वो जो प्लंज अटैक रहता है एलिमेंटल स्किल का, वो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लंज अटैक, यहाँ पर ऊपर उठने के बाद एक प्लंज अटैक मारता है, वो भी डैमेज बहुत अच्छा देता है। उसके बाद आता है इसका बर्स्ट, बर्स्ट में आप देख सकते हो हाइड्रो पायरो कायरो स्क्रिल डैमेज हो सकता है एलिमेंटल जो अब्सॉर्ब करता है, और उनका जो है एलिमेंट डैमेज जो बढ़ाता है, जितने भी आपके पास अगर जो भी कैरेक्टर अगर पायरो कैरेक्टर लेके बैठे हो तो वो अब्सॉर्ब करके जो है स्क्रिल डैमेज, आप लोगों को पता होगा, तो एयू ये जितने भी डैमेज आते हैं उसमें उसका ये करता है। तो स्लैश डैमेज आप देख सकते हो, प्लस स्लैश मारते रहते हैं वो लोग, मतलब जब आप उसका बर्स्ट यूज़ करोगे तो एक स्प्लैश टाइप का आता है, मतलब बफ टाइप का, जैसे सुक्रोज का होता है ना, उस टाइप का इसमें भी होता है, और वो भी स्लैश यहाँ पर देता है। इसका कूल डाउन होता है 15 सेकेंड, और एनर्जी कॉस्ट मैंने पहले ही बताया था, ना ज़्यादा है ना कम है, एकदम सिंपल है। इसका पैसिव आप देख सकते हो, तो पैसिव यानी कि ई जो है इसका, तो हाइड्रो इसमें आप अब्सॉर्ब कर लेता है, और टेक इट विल टेक एन एडिशनल 2% अटैक एंड ऑब्जर्व, तो इसको बफ देता है ये, 2% अटैक बफ देता है हर कैरेक्टर को, समझ रहे हो, मतलब हाइड्रो पायरो कायरो और इलेक्ट्रो को। तो ये इसलिए बहुत बढ़िया है क्योंकि ये बफ प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो, तो इट विल कंसिडर प्लगिंग अटैक, समझ रहे हो, तो ये प्लग अटैक भी करता है बहुत बढ़िया, वंस पर एक बार में एक बार ही करेगा वो, मतलब एक बार ऊपर उठेगा और फिर प्लग अटैक करेगा, आपने देखा होगा इसका गेम प्ले। और सबसे सही ये जो है एडिशनल अटैक देता है, ये सबसे प्यारा है इसका। उसके बाद स्क्रिल डैमेज आप देख सकते हो, ऑल पार्टी 4.4% एलिमेंटल डैमेज बोनस दे देता है ये, देखा जाए तो ये कभी कभार आप अगर अंदर जाके देंगे तो 5% जो है सिर्फ पायरो डैमेज ही देता है, मतलब जो ऑब्जॉर्ब करता है उनका डैमेज वो बढ़ा देता है ना, जैसे पायरो का ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो वो पायरो का 5% 0.0% एलिमेंट डैमेज बोनस दे देता है, ठीक है। उसके बाद योर ओन पार्टी मेंबर बाय 20, तो स्टेमिना ये आप देख सकते हो 20% स्टेमिना भी बढ़ा देता है, तो एकदम इजी इजी काजुआ बिल्ड है। सबसे मेन आपका था आर्टिफैक्ट्स एंड वेपन के बारे में, तो वो आप ध्यान से देख लीजिए कैसा है क्या है, और बहुत ही प्यारा है। तो एक हिंदी में मैंने बनाया है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। फर्स्ट फर्स्ट मैं हिंदी में अभी गाइड बना रहा हूँ, थोड़ी भूल चूक हो सकती है, जितना मुझे पता था मैंने उतना बताया, और आने वाले समय में एक मैं भूल गया था कि एक न्यू वेपन भी आ रहा है, तो उस वेपन के बारे में भी आप उसे भी लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा वेपन है। तो उसके बारे में मैंने ये स्ट्रीम आने से पहले रिकॉर्ड किया था, इसलिए मुझे पता नहीं था, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ, तो न्यू वेपन भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा वेपन है। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, प्लीज़ देखते रहिए राज रोमियो गेमिंग, एंड प्लीज़ कम ऑन स्ट्रीम फॉर सपोर्ट।